हे हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो अभी टाइम हुआ है सुबह के 6 बजे। एक्चुअली हम उठते उठते थोड़ा लेट हो गया। प्लान था 5 बजे निकलने के लिए, लेकिन अभी तो 6 बज गया है। तो कल जेना और लुलु के साथ हम मिले। एक्चुअली जो हमारा ड्रीम राइड है ना, तो आज से वो शुरू हो रहा है। तो आज का प्लान ये है कि हम दिल्ली से डायरेक्ट मनाली के लिए जाए। वो डिस्टेंस अराउंड 580 किलोमीटर है, राइट जेना? करेक्ट राइट। हाँ, तो 580 तो चैलेंजिंग जॉब है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि एनी वे मनाली रीच कर लें। हम करोल बाग के होटल सन पैलेस में स्टे किए थे, और अभी सुबह का 6:40 हो गया है। तो वी आर ऑलमोस्ट रेडी, और तो विक्रम दोनों का बैग पैक भी हो गया, और ये तो मेरा बाइक है और जेना का बाइक भी वहाँ ऑलमोस्ट फिटिंग है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सो लेट्स गो गाइस। बीच में इसका एमिटर खराब हो गया और मेरा सेल्फ स्टार्ट का प्रॉब्लम था, तो हमने गूगल किए और रॉयल की सर्विस में आए। वो सर्विस डेफिनेटली बहुत अच्छे थे, भाई साहब बहुत कोऑपरेटिव थे, और हमें ठंडा पानी वगैरह सब दिए, मतलब काइंड ऑफ पूरा सपोर्ट किए। तो डेफिनेटली अच्छा लगा, अच्छा सर्विस मिला रॉयल एनफील्ड से, तो हम बहुत खुश हैं। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। तो विद्या का बाइक में थोड़ा ब्रेक ऑयल का इशू था, और मेरा भी सेल स्टार्ट में थोड़ा इशू था, तो अभी दोनों रिजल्ट हो चुके हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, अभी टाइम 4:30 PM हुआ है। सुबह 6:30 को निकले थे, लेकिन उसके बाद बहुत सारे प्रॉब्लम हम फेस किए। जन्ना का गाड़ी ख़राब हो गया, मेरा भी गाड़ी का सेल्फ स्टार्ट नहीं हुआ, और लुल का गाड़ी ठीक है, लेकिन दिल्ली में बहुत गर्मी तो बहुत हो रहा है पूरा, मतलब हाँ हाँ। आज टेम्परेचर मैंने गूगल में देख रहा था, तो अराउंड 42 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा था। तो आज कुछ ज़्यादा तो क्रॉस अभी तक नहीं किए, लेकिन लास्ट वन आवर में हम अराउंड 82 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। अभी तक विद्या का गाड़ी ठीक नहीं हुआ है, अभी तक इसका स्पीडोमीटर तो अभी भी खराब है। पता नहीं यार क्या हुआ है विद्या और मेरे साथ। क्या कहना चाहोगे विद्या? क्या बोले यार, आज के अनएक्सपेक्टेड जो टाइम टेल नहीं। तो पहले हम दिल्ली से सोनीपत गए, क्योंकि वहाँ पर एक रॉयल एनफील्ड का सर्विस शोरूम था, और फिर भी हमारा इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। तो हम वो क्या पानीपत, पानीपत में भी रॉयल एनफील्ड शोरूम गए। तो मेरा तो इशू अभी तक ठीक लग रहा है, सेल्फ स्टार्ट हो रहा है, और विद्या का अभी भी स्पीडोमीटर खराब है। तो अभी हम पानीपत से हम कर्नल पास कर दिए, और उसके बाद ठंडा कर लेते हैं। और भाई देखो अभी
गन्ने का रस पी रहे हैं हम सब लोग, तो भैया ने दिया है तो एंजॉय। मेरा भी दिखा ले। हाँ हाँ, और विक्रम भाई भी आ गए। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि और 70 किलोमीटर के बाद अम्बाला कांड आएगा, और अम्बाला कांड में ये महावीर जन पैदा हुए थे। तो अभी 10 मिनट के रेस्ट के बाद जा रहे चंडीगढ़ की तरफ। चंडीगढ़, जैसे मैंने कहा कि 54 किलोमीटर है यहाँ से, तो वी आर ऑलमोस्ट रेडी। चलो भाई चलते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हाथ रहा टकाओ, हर हर महादेव। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। सो अभी टाइम हुआ है 6 PM। सो कुरुक्षेत्र से चंडीगढ़ अराउंड 62 किलोमीटर है, और एक घंटे में हम 62 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। तो ये अम्बाला कांड है हरियाणा स्टेट का, तो यहाँ से चंडीगढ़ अब बहुत दूर नहीं है। चंडीगढ़ वी आर कमिंग। सो यहाँ से 54 किलोमीटर है, सो हम सोच रहे हैं कि एक घंटे में हम चंडीगढ़ पहुँच जाएंगे। और ये अम्बाला कांड महावीर विक्रम का बर्थडे है। और भैया कितने टाइम? ओके। सो दड़ई कैसा लग रहा है आज का ट्रिप? चलिए एक घंटे में खत्म करते हैं। ओके, एक घंटे में ख़त्म करते हैं, और उसके बाद हम सोच रहे हैं कि चंडीगढ़ में थोड़ा रेस्ट लेंगे, क्योंकि कल सुबह सुबह चंडीगढ़ 3 बजे ही निकल जाएंगे। क्या घूमेंगे यार चंडीगढ़ में, इतना देखेंगे फिर भी कुछ अगर कुछ अच्छा मिलता है तो देखते हैं। जेना का स्पीडोमीटर जो खराब हो गया है उसको भी ठीक करना है। ठीक है, ओके फ्रेंड। तो भाई अब टाइम 7:10 बजा है, तो अभी हम पंजाब बॉर्डर में हैं। तो यहाँ से चंडीगढ़ के रूट होके हम मनाली का प्लानिंग है। मनाली तो आज नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन देखते हैं कितना दूर हम क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो ऑलमोस्ट टाइम भी हो गया है। तो यहाँ पर पंजाब में एक स्पेशल टी और क्या है, नमकीन है, नमकीन के साथ एंजॉय कर रहे हैं।